हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि मौसम बदला हुआ है एकदम से. कभी कभी ठंडी हवा चलने लगती है, कभी लगता है गर्मी सी हो रही है. इस वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही है, लोग तबीयत भी ख़राब हो रही है. तो अभी हो रही है शाम का टाइम और मंडे का दिन है, शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं बना रही हूँ चाय. चाय थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैंने सोचा जब ये आ जाएंगे तभी बनाऊंगी. और साथ में जब चाय बन रही होती है तो कुछ सब्जी वब्जी काटने का भी काम कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने मटर भी छील लिए और ये मटर मैं निकाल नहीं पाई थी, पॉलीथिन में रखी रह गई थैले में. तो इनके देखिए छिलके कैसे हो गए, तो मैंने इनको छील लिया है और छील के मैं इसको अच्छे से धो डालूँगी 2-3 बार पानी में, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी. तो इसलिए मैंने पहले नहीं धुली, पहले धो लेती तो एकदम गीली गीली हो जाती. तो यहाँ पर मैंने मटर साफ़ कर लिया और मैं लेके आई थी पनीर. तो मैंने कहा चलो मटर पनीर बना देती हूँ, क्योंकि आयान को थोड़ा सा पनीर पसंद भी है. वैसे तो मैं इसके लिए पहले घर पे भी पनीर बना देती थी, लेकिन घर पे तो फ़िलहाल नहीं बना पा रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से मोड़ से ही ले आई थी. तो यहाँ पर मैंने पनीर काट लिया है और बस इसको 2-3 पीस मैं भून के दे दूँगी. तो ये सब्ज़ी में अगर नहीं खाता है मसाले वाला, जैसे सब्ज़ी वगैरह नहीं पसंद है, तो इसको पनीर मैं ऐसे सूखा दे देती हूँ फ्राई करके, घी से कर दो या तेल से, और बस थोड़ा सा दे दूँगी नमक डाल के छोटा छोटा करके, तो ये खा लेगा. और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी के लिए यहाँ पर टमाटर प्याज लहसुन ये सब पीस के रख लिया है. तो बस जब तक मैं सब्ज़ी का मसाला पक रहा है तब तक चावल वावल साफ़ कर ले रही हूँ. तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी के भी देखती जा रही हूँ, चावल भी साफ़ करती जा रही हूँ. तो अभी मसाला पकने में क्या है, टाइम लगता है जब पनीर का मसाला भूनते हैं, तो उतनी देर में आप आटा भी लगा सकते हो, चावल साफ़ कर सकते हो. लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही देर लगा ली तो मसाला हल्का सा लगने भी लगा था. तो बस यहाँ मसाला पक गया है और मटर को भी मैंने संग में डाल दिया था जब प्याज और मसाला भून रही थी, तो मटर भी अच्छे से पक गई, ढक दिया था नमक डाल के. उसके बाद बस मैंने ग्रेवी डाल दी है. तो यहाँ सब्ज़ी भी रख दी है, चावल रख दिए, रोटी बनानी है. और ये देखिए, मतलब हमारे अपार्टमेंट के सामने ये पूरा कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, ये क्रिसमस डे की सजावट. और मेरा देखिए प्लांट ये निकालना है, कितना सूखा सा लग रहा है. तो मैं वही दिखा रही थी, बहुत अच्छा डेकोरेट है. शाम को बहुत पॉजिटिविटी सी आती है, यहाँ खड़े होकर देखो तो अच्छा लगता है सजा हुआ. ड्राइनेस लेके आती है, जो कि हमारे लिप्स में उनका बहुत असर दिखाई देता है. सर्दियों के टाइम पे हमारे लिप्स एकदम रूखे क्रैक्ड हो जाते हैं, रूखे रूखे फटे फटे हो जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसे लिप्स हो जाते हैं कि हम अच्छे से हंस नहीं सकते, स्माइल नहीं कर सकते, और बहुत तेज हंस के, और या जिन लोगों को पाउट बनाने का बहुत शौक होता है वो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही पेनफुल हो जाता है. तो लिप्स की वजह से हमारा पूरा लुक डल हो जाता है, क्योंकि हम वो हमारा एक्सप्रेशन नहीं रहता है फेस का. और ऐसे में हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हमसे नाराज हो जाते हैं, हंस नहीं रहे हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि लिप्स इतने फट जाते हैं. और हमें पसंद होते हैं एकदम स्मूथ, नरम और एकदम चिकने जैसे होंठ रहते हैं. वैसे इस प्रॉब्लम के लिए मामाअर्थ लेके आए एकदम 100% नेचुरल लिप बाम, जिसमें की है चेरी और रोज की गुडनेस. ये 100% नेचुरल है और इसमें बहुत सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे. इसमें टिंटेड भी है और नॉन टिंटेड भी है. अगर आप डे में इस तरीके की सिंपल लगाना चाहते हैं एकदम नेचुरल लिप रखने के लिए, तो आप नॉन टिंटेड लगा सकते हैं. थोड़ा सा रोज ही रखना चाहते हैं तो टिंट वाला लगा सकते हैं, क्योंकि आप अपने मूड के हिसाब से यूज कर सकते हैं. ये है चेरी टिंटेड लिप बाम, ये है उपटन टिंटेड लिप बाम, और इसके बाद ये है नॉन टिंटेड. इसकी अच्छी बात ये है लिप बाम की कि ये बहुत ही कम बजट में है, तो इनको आराम से ले सकते हैं. लिप बाम पूरी तरीके से टॉक्सिन फ्री है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है. ये लाती हैं हमें नेचर के एकदम नजदीक, यानी हैशटैग किस ऑफ नेचर. इसमें है कोकोनट ऑयल, विटामिन ई, सी बटर. कोकोनट ऑयल हमारे लिप को मॉइस्चराइज रखता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और इसी के साथ ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. सी बटर हमारे लिप्स को अच्छा रखता है, फटे हुए होंठों को एकदम स्मूथ और चिकना बनाता है. विटामिन ई हमारे लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है ड्राई लिप्स के लिए, हील करता है ड्राई और क्रैक्स लिप्स को. जब भी मामाअर्थ से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं विद अ ट्री दैट दे प्लांट. तो 2025 तक मामाअर्थ ने 1 मिलियन प्लांट का टारगेट रखा है, जो कि अपने आप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको नायका, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिल जाएंगे, और आपके पास में ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके भी इनको
परचेज कर सकते हैं। और मामा से आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं और मेरा कूपन कोड मैं आप लोगों को दे दूंगी, अगर आप वो यूज करके मंगवाते हैं तो मामा के ऐप से या वेबसाइट से जो भी आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं उनमें आपको 20% का डिस्काउंट अलग से मिल जाएगा। और जो मैंने ये लिप बाम मंगाई है इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और आपके पास में जो स्टोर है वहां से आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ, सब्जी हो गई, चावल हो गई, रोटी बस सेकनी थी तो मैं तवे में कई सारी रोटी डाल के और ऐसे जल्दी जल्दी सेक लेती हूँ। ऐसे में क्या है रोटी जल्दी बन जाती है, मुझे ऐसा लगता है, टाइम उतना ही लगता है लेकिन हमें लगता है जल्दी सेक गई। तो मैं ऐसे ही एक साथ सेकती हूँ रोटियाँ कभी कभी जब मुझे जल्दी बनाना होता है। तो बस यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ खाना, ये पनीर की सब्जी, रोटी, चावल अपना भी लगा लिया, इनका लगा दिया है, अयान के लिए सब्जी अलग। और यहाँ पर टीवी नहीं चल रही है, ये कोशिश कर रहे हैं, पासवर्ड भूल गए हैं वाईफाई का तो ये पासवर्ड ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि जब तक टीवी नहीं चलती है तब तक ये खाना नहीं खाता है, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। या तो इसको कार्टून दिखाओ, फ़ोन में दिखाओ, फ़ोन में नेट नहीं है तो टीवी देखनी है, अब टीवी में नेट नहीं हो पा रहा है तो पहले मैं इसको खिला देती हूँ, बाद में हम लोग खा लेंगे। और अभी हो रहा है अगले दिन मैं धो रही हूँ इसके कपड़े, अयान के ही कपड़े, इसमें ज़्यादातर इसने रात में भी बहुत कपड़े गंदे कर दिए थे उल्टी करके, मैं थक गई इसको दवा दे दे के, इसकी एक चीज़ सही नहीं होती तब तक ये दोबारा बीमार पड़ जाता है, फिर एक बार कुछ थोड़ा ठीक होने आता है तब तक बीमार हो जाता है। अभी इसका ये कफ पूरा गला बंद था, जुकाम सही हो नहीं आया था तब तक इसकी रात में फिर तबीयत ख़राब, पूरा खास खास के उल्टी, इसको जब भी सर्दी वगैरह कुछ ऐसा लगता है मुझे लग जाती है तो इसको तुरंत उल्टियाँ होने लगती है, जबकि मैं इसको बहुत ही जल्दी से नहला देती हूँ, ज़्यादा भिगाती भी नहीं हूँ, बहुत बचाव रखती हूँ, फिर भी ये तुरंत तुरंत बीमार पड़ता है। चलो ना रहने दो चिमटी, समझ नहीं आता है कभी कभी क्या करो, ऐसा लगता है ना कभी कभी बहुत थक गए हो, समझ में नहीं आता है, ऐसा लगता है कहीं भाग जाओ, उसमें से नहीं लाओ, नहीं चाहिए, अपने आप से खुद ही ऐसा हारा सा महसूस करने लगते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, दवा दे दे के दे ठीक नहीं रहता है, एक दो दिन सही से खाया फिर बीमार हो जाता है। अभी इसकी आँख एकदम रेड हो रही है और आँख ठीक नहीं हो पाई जब तक पूरा जकड़ गया, रात में तो इसकी आँख नाक सब बंद हो रही, समझ में आया कि वो इतना बीमार होता है। तो अभी ये सारे कपड़े धुले थे तो मैं छत में ले जा रही हूँ, इनको सुखा दूँगी और ये भी थोड़ा सा खेल लेगा, और ये देखिए जूते पहनाए थे उतार के फेंक आया है, ऐसे करता है ये लड़का। और अभी 11-12 का वही टाइम हो रहा था, धूप भी अच्छे से निकली है तो मैं सोच रही हूँ इसको भी धूप में थोड़ा सा मिल जाएगा घूमने को, और मैं कपड़े भी सुखा दूंगी, और क्योंकि ये सब हाथ से धोए हैं इसके कपड़े और वैसे भी मशीन से साफ नहीं होते और मशीन अभी काम कर भी नहीं रही है, उसको दिखाना पड़ेगा बीच बीच में, अब वो मशीन ना काम लायक बची नहीं है मुझे तो ऐसा लगता है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ इनको निचोड़ के यहीं पर सब फैला दे रही हूँ, यहाँ पर हवा भी चली रख गई है सूख जाएगी, उसके अंदर मत जा, निकल बाहर, बढ़िया में लग जाएगी। और तो मेरे पास थोड़ी दवा रखी हुई थी इसकी कुछ तो मैंने दे दी थी, लेकिन रात तक आज रात तक तो इसकी और ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही थी, तो फिर मैं इसको डॉक्टर के यहाँ भी ले गई। तो यहाँ मैं इसके सारे कपड़े सुखा दे रही हूँ, और ये देखिए कितनी तेज़ हवा है, यहाँ पर कैसे भी कपड़े डाल दो सूख जाएंगे, लेकिन ये ना मेरे अंगूठे में थोड़ा सा दर्द था तो कपड़े अच्छे से निचोड़ते नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्या चोट लग गई अंगूठे में तो कपड़े निचोड़ नहीं पा रही थी मैं उसकी वजह से, तो मैं हल्का हल्का निचोड़ के जल्दी से डाल के भागी हूँ, क्योंकि तब तक आ गए थे नेट वाले भैया, इनको बुलाया था क्योंकि टीवी में नेट नहीं कनेक्ट हो रहा था हमारा, तो इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही थी, ऐसे थोड़ा बहुत देर बैठ के टीवी देखता रहता है तो ठीक भी रहता है, तो मैंने कहा चलो फिर इन्होंने आके सही किया है तो नेट कनेक्ट हो गया है, तो मैंने कहा अब यहीं बैठे। और इसकी आँखें इतनी, और मालूम है ये मुझे लगता है कि स्कूल जाके बच्चे और बीमार होते हैं, जब ये स्कूल नहीं जाता था ना तब इतना बीमार नहीं होता था, लेकिन स्कूल भेजना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज इसकी हालत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं भेजा, और मैंने कहा इसका थोड़ा सामान लगेगा तो ला इसकी बाइक चार्ज कर दूँ, बाइक चार्ज नहीं हुई थी तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, उसका चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, बहुत देर से ढूंढ रहा, कह रहा ये है वो है सब जगह ढूंढा, फिर मैंने पूरी देखी नीचे से बाइक
तब जाके उसका चार्जिंग पॉइंट मिला मुझे, जहाँ पर चार्जिंग लगाना, बड़े किनारे साइड में एकदम चार्जिंग पॉइंट दिया है, आराम से तो ढूंढ ही नहीं सकते हो। तो ये देखिए मैंने ये चार्ज में लगा दी, ये दिया हुआ है नीचे एकदम यहाँ पे छोटा सा, मैं कहीं लिख देना चाहिए जैसे मोबाइल है या कहीं मतलब जिनमें चार्जिंग जहाँ पर लगाने का होता है वहाँ बैटरी जैसी कुछ बता देना चाहिए तो हेल्प मिल जाए। और अभी मैं जा रही हूँ इसके आँखों के में दवा डालने, तो ये वाला ड्रॉप मैंने अभी खोला नहीं था, एक नया वाला, तो इससे मैंने ज़मीन में डाल दिए पहले एक दो बूंद, और अभी ये देखिए भाग गया था डलवाने के नाम से, इतना डर लगा उसे दवाई डलवाने में, इतने मुश्किल से दवा डलवाई है, तीन चार बूंद बर्बाद गए तब जाके डलवाई। देखो ठंडा ठंडा लगा, और थोड़ी देर लेटे रहते तो क्या होता, रेड हो रही आंखें पूरी। तो डॉक्टर ने ये दो ड्रॉप दिए थे जिसमें कि अब मैंने दोनों डाल दिया, और एक आंख में लगाने के लिए ट्यूब है वो रात में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाना है। तो ये काम हो गया इनका, और बस अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से खाना बनाने क्योंकि लंच का होने वाला है टाइम। तो यहाँ पर मैं लौकी बना रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ना बनाओ बनाओ कुछ नहीं, बस ओढ़ के सो जाओ। पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना मुझे, पिंडलियों पैर की जो पिंडली होती है ना उनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं गिर रही हूँ, मतलब इतना थक गई हूँ कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो लौकी रखी थी और लौकी भी बड़ी टाइट सी लग रही थी मुझे, तो मैं कह रही थी इसको कुकर में छौंक दूँगी, और क्या कहते हैं लौकी की फ़ायदा भी करेगी ये बना देते हैं, हम क्या करेंगे, भले ही रिपीट हो रहा है लेकिन और क्या करो फिर। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट ली है, लौकी टमाटर आलू ये सब काट के, और तुरंत कुकर में छौंक दे रही हूँ, तो कुकर में जल्दी भी हो जाएगी और टाइट लौकी है तो जल्दी बन भी जाएगी। तो बस अभी मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से, उस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कभी कभी आप लोग भी बहुत थक जाते होगे तो कुछ समझ में नहीं आता होगा तो गुस्सा भी आता है ना, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।